हेलो दोस्तों दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक कीबोर्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया तो आप उसे किस तरीके से, इजी तरीके से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे दोस्तों किस कारण इसमें खराबी आती है, क्या क्या इसमें ख़राब हो सकता है और आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसको डिसेंबल करना होगा, तो दोस्तों इसे ओपन करना होगा। उसके लिए आपको दोस्तों सारे पेज खोलने होंगे, इसके यहाँ पीछे की साइड से तो सारे पेज होंगे, तो उसे खोलने होंगे आपको। तो जो कि मैंने ये देख लीजिए पेज पहले से खोल के रखा हुआ है अभी। तो उसके बाद आपको सिंपली इसका जो ऊपर का भाग है वो उठाना है। तो ये तो इसके की हो गई दोस्तों ये सारी, तो इसको साइड में रख देते हैं और हम बात करेंगे जो मेन इसका जो ये पत्ती सी लगी हुई। तो दोस्तों ये इसका बोर्ड है, तो इसी से कंट्रोल होता है जो इसमें, ये देख लीजिए जो लाइन ही है। तो इसमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैं इसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा था तो इसमें दोस्तों कुछ इसके बटन वर्क नहीं कर रहे थे और कुछ इसके जो बटन है कुछ वर्क कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों इसमें नॉर्मली कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है। जैसे आपका ये बटन ख़राब हो गया तो आप इसे चेंज करके नया लगा सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नहीं। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है दोस्तों इसका, ये देख लीजिए जो छोटा सा यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड है जिसमें दोस्तों ये लाइट है, इसमें नंबर लॉक की, कैप्स की और जो ये एक और लाइट है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो मेन आती है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रखी है वो दोस्तों इसके गिरने से आ गई थी। गिरने से दोस्तों क्या हुआ इसमें कि गिरने से जो ये नट है दोस्तों, ये देख लीजिए ये वाला नट, यहाँ का नट पूरा निकला है, ये नट नहीं निकला क्योंकि ये पूरा फ्री हो गया गिरने से। तो इसकी वजह से दोस्तों इसमें क्या हो रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब भी आपका कीबोर्ड गिर जाता है तो आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि जो इसके दोस्तों, ये देख लीजिए जो इसके बोर्ड में ये प्रिंट है दोस्तों, यहाँ यहाँ पे आप देख लीजिए इन प्रिंटों को, इसमें जो ये प्रिंट बने हैं तो इसमें कनेक्ट होना होता है, इसलिए ये सारे जो कीबोर्ड हैं वो वर्क करते हैं। तो जब ये गिर गया था तो ये नट लूज हो गया था, तो इसकी वजह से दोस्तों ये कुछ जो प्रिंट हैं इसमें वो हट गए थे। तो उसकी वजह से दोस्तों ये कुछ बटन इसमें काम कर रहे थे, जो जॉइंट था दोस्तों उसमें तो वो वर्क कर रहे थे, जो जॉइंट नहीं था तो वो वर्क नहीं कर रहा था। ये दोस्तों इस तरीके से लगता है यहाँ पे, तो ये दोस्तों इसको टाइट होना होता है, टाइट क्योंकि नीचे के प्रिंट और ऊपर के प्रिंट आपस में मिलेंगे तभी ये वर्क करेगा। तो ये नट फ्री हो गया तो इसकी वजह से ये यहाँ से लूज हो गया, ताकि ये टाइट नहीं हुआ, और एक साइड से ये टाइट था तो आधे बटन इसके काम कर रहे थे, आधे की काम कर रही थी और आधी नहीं कर रही थी। तो दोस्तों जब भी ये आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम आती है तो सिंपली दोस्तों यहीं से आती है, जो ये प्रिंट है आपको ये चेक कर लेना है खोल के कि आपस में जुड़े हैं कि नहीं, अगर नहीं जुड़े हैं तो उसको आपस में अच्छे से आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, उसकी वजह फिर आपका कीबोर्ड एकदम सही तरीके से चलने लग जाएगा।
तो यही है दोस्तों मेन चीज़ ख़राबी जो आती है, जो प्रिंट कनेक्ट नहीं होते हैं वही ख़राबी आती है। अगर आपका कोई की काम नहीं कर रही तो आपको सिंपली ओपन करना है, और इसको दोस्तों ओपन बड़ी ध्यान से करिए, क्योंकि इसमें इस तरीके के ये बटन होते हैं स्पंज टाइप के, ये देख लीजिए, तो ये इधर उधर हो जाते हैं, फिर आपको सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आराम से खोल के इसको, आराम से इसको सेट कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस कीबोर्ड में, और बस यही प्रॉब्लम है। और बाकी कोई और भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पूरा रिप्लाई करूँगा। तो यही है दोस्तों, अब मैं इसे पूरा अच्छे से कनेक्ट करूँगा और उसके बाद इसका जो ऊपर का जो की है वो लगा दूँगा, तो ये प्रॉपर काम करने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।